इंटरनेट से इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को नूरपिन का सादर प्रणाम। आज की तारीख है 12 सितंबर 2019 और इस वीडियो में मैं आपको मेरे आज के ट्रेड्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो मेरा जो सबसे पहला ट्रेड था वो था एशियन पेंट के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर गई यहाँ पे, लेकिन जो बियरिश क्रॉस है वो एक के नीचे एक बनी, यानी पहला यहाँ हुआ दूसरा यहाँ हुआ, जिससे हमको ये बात समझ में आ जाती थी कि फिलहाल जो स्टॉक है उसके ऊपर में बियरिश डाइवर्जेंस बना है। तो बियरिश डाइवर्जेंस बनने के बाद में प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आई और उसने पाइवट के ऊपर में अपना सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर गई और दोबारा उसके नीचे आ गई। तो जब प्राइसेस दोबारा पाइवट के नीचे आई तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई और इस कैंडल के ऊपर में मैंने अपना स्टॉप लॉस मेंटेन किया। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आई और फिर यहाँ पर अटक गई। तो जैसे हम पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में एक एक्टिंग सपोर्ट है और यह एक्टिंग सपोर्ट करंट में तीन बार टेस्ट हो गया, एक बार यहाँ, दूसरे बार यहाँ और तीसरे बार यहाँ। तो जब तीन बार टेस्ट होने के बावजूद भी वो सपोर्ट नहीं टूटा तो फिर मैंने क्या किया कि जो मेरी भी सेलिंग प्राइस थी उसके ऊपर ना मैंने अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया और जब ये कैंडल बना तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मेरा टारगेट भी आया, लेकिन क्योंकि सपोर्ट एग्जैक्टली तीन बार टेस्ट हो गया था इंस्टेंटली, इस वजह से ये पोजीशन थोड़ी सी रिस्की हो गई थी, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी हो गया था। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कट गया और इस ट्रेड के ऊपर ने मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो कि हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते, लॉस ही बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज कटेगा तो ब्रोकरेज भी कवर नहीं हुआ। मेरा दूसरा जो ट्रेड था वो था एक्सिस बैंक के ऊपर में। यहाँ पर भी सिचुएशन आप देख सकते हैं वैसे ही है, प्राइसेस ऊपर गई और यहाँ पर आप जो बियरिश क्रॉस देख रहे हैं वो एक के नीचे एक बन रहे थे। इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी बियरिश डाइवर्जेंस मिला हमको। तो बियरिश डाइवर्जेंस होने के बाद में सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल जनरेट किया और उसके बाद प्राइसेस पाइवट से रिट्रेस हुई और रिट्रेस होने के बाद वो नीचे गिरने लगी। तो जब ये कैंडल बना तो मैंने इसी पे शॉर्ट पोजीशन बना ली और ये जो बड़ा कैंडल था इसके ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस मेंटेन किया। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं प्राइसेस नीचे गिरी। इस स्टॉक के ऊपर मेरे 2 टारगेट थे। तो हुआ ऐसा कि जब प्राइसेस ये ग्रीन पाइवट को तोड़ के नीचे निकल गई तो मैंने 672 के ऊपर में अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया और फिर क्या हुआ कि प्राइसेस ऊपर आई, स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद जो प्राइसेस है वो मेरे दूसरे टारगेट के भी नीचे चला गया। अब ऐसा होता है बावजूद इसके कि आपका ट्रेड करेक्ट हो, आपको बराबर प्रॉफिट बुकिंग ना मिल सके। आपको ऐसा लग सकता होगा कि जब मेरा एसएल कट गया तो मुझे यहाँ से दूसरी पोजीशन बनानी चाहिए थी क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी, पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैकडी है मैकडी के ऊपर में बुलिश क्रॉस हो गया था। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ से ये पोजीशन तब तक नहीं बना सकते थे जब तक कि हमको एक बियरिश क्रॉस नहीं मिलता, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ से एक फ्रेश एंट्री नहीं बनाई। तो आज के दिन हमको जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1738, इसमें से फिलहाल ब्रोकरेज नहीं कटा है। अगर आप समरी देखें तो आज के दिन हमको प्रॉफिट हुआ 1738 का, लॉस आज हमको नहीं हुआ, ग्रोस प्रॉफिट जो हमारा रहा 1738 का रहा। आज हमारा एक ट्रेड पे हमको प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड पे हमको नुकसान हुआ। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आज हमारा विन रेट रहा 50% का और आज हमारा सक्सेस रेट भी 1 का था। अब क्योंकि आज हमको एक भी लॉस नहीं लगा तो लॉस वाला जो पोर्शन है वो हम उस ट्रेडिंग डे के लिए फॉरवर्ड कर देंगे जिस दिन हमको लॉस लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।